राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कोलकाता रेप मर्डर मामले में देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फैसला किया है। उन्होंने आरजीकर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि दोनों के बीच क्या चर्चा हुई इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स दो दिन हड़ताल पर रहे। इससे एम्स दिल्ली समेत सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक जांच नहीं कर पाई तो वो मामले को सीबीआई को सौंप देगी। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के आरोपी संजय राय को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि संजय एक ट्रेन बॉक्सर है। 8 और 9 अगस्त की रात उसने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर से दरिंदगी के दौरान बुरी तरह मारपीट की थी। संजय ने डॉक्टर को इतनी जोर से मारा कि उनके चश्मे का शीशा टूटकर उनकी आंखों में घुस गया। इसके कारण आंखों से ब्लीडिंग हुई थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।